सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के लेक्चर टू की। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर के लेक्चर टू की बात करेंगे बेटा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के अबाउट देखा था और टर्निंग फोर्स का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में जाना था, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेशर के, दिस इज द लेक्चर टू ऑफ अ चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। आज हम बात करेंगे बेटा प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो देखिएगा बेटा, प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को सिंपली डिफाइन करूंगा, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, तो हम लोग कहते हैं प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है बेटा, उसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे कहते हैं प्रेशर। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स की वैल्यू को डिवाइड करेंगे एरिया की वैल्यू से, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, प्रेशर। क्या मिल जाएगा, प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल। इसकी यूनिट जो होती है बेटा वो होती है पास्कल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पीए, द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज पास्कल। तो अगर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स पास्कल है, तो डिफाइन करते हैं, डिफाइन वन पास्कल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन पास्कल, वन पास्कल जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो कह रहा है वन पास्कल इज द प्रेशर व्हेन वन न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ वन मीटर स्क्वायर। देखिएगा बेटा, जब वन मीटर स्क्वायर ये एरिया हो और इस एरिया पर जो फोर्स अप्लाइड हो वो वन न्यूटन का हो, when one newton of force applied on an area of 1 meter square, then the pressure exerted on that surface area is 1 pascal. तब वो pressure 1 pascal का pressure होता है. Is that clear बेटा? So the 1 pascal is the pressure when 1 newton of force is applied on an unit area of 1 meter square. Okay? देखिएगा आगे इसको क्या कह रहा है? देखिए यहां लिख रहा है वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों लिखा है बेटा, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया की, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल काफी छोटी यूनिट होती है, तो इसकी बड़ी यूनिट में भी हम लोग किलो पास्कल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, किलो पास्कल का यूज करते हैं। ठीक है, so 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल, 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं। कितने पास्कल होते हैं बेटा, 1000 पास्कल, और किलो पास्कल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 1 kPa भी लिखते हैं, और दैट इज इक्वल टू 1000 पास्कल। इज दैट क्लियर, ओके बेटा आगे देखते हैं। आगे कह रहा है व्हेन ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल, वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलरली, एक तरीके से इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में या नॉर्मली कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, व्हेन ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल टू द सरफेस देन इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तब उस अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। यानी कि अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में या परपेंडिकुलरली, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं बेटा, थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट हो जाता है। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो क्या हो जाता है बेटा, थ्रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जगह हम क्या ले लेंगे बेटा, थ्रस्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज इक्वल टू थ्रस्ट। सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इज दैट क्लियर, ओके। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसको समझते हैं। कह रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट एरिया। इसका मतलब अगर फोर्स इंक्रीज हुआ, फोर्स इंक्रीज हुआ देन प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अगर फोर्स डिक्रीज हुआ देन प्रेशर भी डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। लेकिन अगर एरिया इंक्रीज होता है,
अगर एरिया इंक्रीज होगा, एरिया बड़ा होगा तो उस पर अप्लाइड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है बेटा वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जिस एरिया पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। हम लोग कुछ डेली लाइफ के एप्लीकेशंस को समझते हैं प्रेशर के, कि कहां पे हम इनका यूज करते हैं, डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन कैसा होता है समझते हैं। देखिएगा, कुछ एप्लीकेशंस दे रहा है प्रेशर की। पहला, शार्प नाइफ हैज अ वेरी थिन एज। जो हमारी शार्प नाइफ होती है बेटा, नाइफ उसकी एज जो होती है वो काफी थिन होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर थिन एज है तो इसका मतलब सेक्शन एरिया उसका कैसा है, काफी कम है। जब एरिया बहुत कम होता है, यानी कि जब एरिया कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा बेटा, हाई। यानी कि हम लिटिल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड करके भी हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है नाइफ का, कम। अब देखो यहाँ पे दे रहा है, एक इमेज आपको दिख रही है, तो आप ये जो एरिया है ये काफी स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल एरिया से फोर्स तुम लगा रहे हो तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि स्मॉल एरिया, एरिया जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना कम होगा प्रेशर उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है, तो यहां पर कम एरिया होने की वजह से प्रेशर कैसा लग रहा है बेटा, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजिली किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। तो नाइफ में हम जब कट करते हैं तो हम उसके थिन एरिया की साइड से कट करते हैं, लेकिन अगर नाइफ को उल्टा ले लिया जाए, उसके जो थिक एरिया है, लार्ज एरिया, वहां से कट करेंगे तो हमारे वेजिटेबल से या कोई भी चीज जिसको हम कट करना चाह रहे हैं वो एक परफेक्ट कटिंग नहीं होगी, यानी कि वो सही से नहीं कटेगा। ठीक है, और तो और हमें ज्यादा फोर्स भी अप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें फोर्स का अमाउंट और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर प्रेशर हमें इंक्रीज करना है तो एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। देन इट मींस अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर इस वाली कंडीशन में एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नाइफ के एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं, यानी कि हमें हमेशा मिनिमम, यानी कि स्मॉल एरिया की तरफ से कट करना चाहिए जिससे हम मिनिमम प्रेशर लगाएं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा बेटा, वन एंड ऑफ द नेल इज पॉइंटेड एंड शार्प। नेल जो होती है हमारे पास उसकी एक एंड शार्प होती है। क्यों होती है? देखिएगा, ये आपको नेल दिख रही है, यहां पर आपको शार्प एंड दिख रहा है, तो ये क्या है बेटा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक स्मॉल एरिया है, तो यहां पर जो एरिया इस वुडन प्लैंक को टच करेगा वो काफी छोटा है, तो बहुत छोटा एरिया होने की वजह से, एरिया बहुत ज्यादा छोटा है तो इस पर प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई होगा। इस पर फोर्स तो लग ही रहा है, तो फोर्स की वजह से यहां पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका एरिया काफी छोटा है जिससे ये नेल जो है इसको अंदर पेनिट्रेट करना बहुत ईजी हो जाएगा, ये नेल अंदर की तरफ आराम से जाएगी। बट अगर मैं इस नेल को उल्टा कर दूं, तो अगर मैं उल्टा करूंगा तो इसका लार्ज एरिया वुड से टच होगा, और अगर फोर्स को मैं यहां लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, तो पता चलेगा कि ये नेल अब इस वुड प्लैंक में प्लग नहीं होगी, नहीं जाएगी अंदर। अगर मैं इस पे हैमरिंग भी करता हूं तो ये उसे अच्छे तरीके से अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं करेगा जितने अच्छे से पहली वाली कंडीशन में कर रहा था। ठीक है, तो इसका एक फिगर मैं तुमको बना के समझाता हूं। देखिएगा, ये एक वुडन प्लैंक है, ये हमारा नेल है। ठीक है बेटा, ये हमारी नेल, एक ये है और एक हमारी नेल ये है। ठीक है, इस नेल को मैंने ऐसे रखा, इस नेल को ऐसे रखा। अगर इस नेल पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस नेल पर मैं हैमरिंग करता हूं, क्या करता हूं, हैमरिंग करता हूं, तो हैमरिंग करने पे क्या होगा, ये तुरंत ही पेनिट्रेट करते हुए, यानी कि अपनी इस कंडीशन में पेनिट्रेट करते हुए आ जाएगी। ठीक है, ये पेनिट्रेट करते हुए यहां तक आ जाएगी, आराम से इसको पेनिट्रेट करेगी और अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां पर हैमरिंग करूंगा तो पता चलेगा कि ये अंदर की तरफ नहीं आएगी, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और तब जाके ये कहीं थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगी। इसका मतलब एरिया जितना कम होगा उतना अधिक प्रेशर अप्लाई होगा, और एरिया अगर मैं बड़ा कर दूं तो प्रेशर
उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी सफिशियंट प्रेशर हो या ना हो कोई गारंटीड नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए नेल्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो बॉटम एरिया होता है बेटा, उसे काफी शार्प हम बनाते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आगे कह रहा है बेटा, द स्कूल बैग हैज अ वाइड स्ट्रैप। स्कूल बैग के स्ट्रैप्स जो होते हैं बेटा वो काफी वाइड होते हैं। ऐसा क्यों होता है स्कूल बैग के स्ट्रैप्स के साथ? अब देखो ये आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें एक बच्ची है, बच्ची ने स्कूल बैग टांगा हुआ है। देखिएगा ये स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप दिख रहा है, ये काफी चौड़ा है। तो इस चौड़े, अब इस पूरे बैग का वेट जो है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और इस पूरे बैग के वेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों स्ट्रैप्स पे है। तो ये स्ट्रैप्स चौड़े इसलिए रखे जाते हैं, ये ज्यादा चौड़े होंगे तो इस पर कम प्रेशर अप्लाई होगा, क्योंकि एरिया अगर बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर यही एरिया पतला होता, एरिया अगर पतला होता तो इस पर प्रेशर ज्यादा होता, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वजह से चौड़े स्ट्रैप वाले बैग में, जब हम चौड़े स्ट्रैप के बैग को वेट करते हैं यानी कि उठाते हैं कंधों पर, तो हमें ज्यादा वेट फील नहीं होता, यानी कि हमें जल्दी थकान नहीं होगी। लेकिन अगर हम पतले स्ट्रैप वाले बैग को उठाएंगे तो क्या होगा, वेट बहुत ज्यादा फील होगा क्योंकि एरिया छोटा हो जाएगा और एरिया छोटा होने से प्रेशर बढ़ जाएगा और हमें जल्दी थकान भी फील होगी और वेट भी बहुत ज्यादा फील होगा, ठीक है। इसलिए हमें अपने स्कूल बैग्स के स्ट्रैप्स हमेशा चौड़े लेने चाहिए, जिससे आपको लेस एरिया, लेस प्रेशर अप्लाइड होता हुआ फील हो, क्योंकि एरिया अगर बड़ा होगा तो प्रेशर लेस हो जाएगा और इससे आपको जल्दी थकान भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, कैमल्स वॉक इजली इन द डेजर्ट। कैमल्स वॉक इजली इन द डेजर्ट, कैमल डेजर्ट में बड़े ही इजली वॉक करते हैं। देखिए डेजर्ट एक ऐसी चीज है जहां पे नॉर्मली हर इंसान नहीं चल पाता है, यानी कि चलने की भी कोशिश करते हैं तो हमारे पांव जमीन के अंदर थोड़े बहुत जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा चलना ज्यादा कंफर्ट नहीं हो पाता है। बट कैमल, कैमल बड़े आसानी से चल लेता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में देखिए ये कैमल की फीट होती है, ये फीट काफी बड़ी होती है, कैमल का पैर काफी बड़ा होता है और बड़ा एरिया होता है, ये एरिया काफी बड़ा होता है और इस एरिया पर इसका वेट काम करता है, ठीक है। तो एक बड़ा एरिया होने की वजह से इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि डेजर्ट में, यानी कि रेत में हमारा जो बड़ा एरिया होने की वजह से, क्रॉस सेक्शन बड़ा होने की वजह से जो प्रेशर है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और इस वजह से कैमल इस पे बहुत ही कंफर्टेबली चल लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसा जानवर जिसके पैर का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो, वो उतने कंफर्टेबली डेजर्ट में नहीं चल सकता। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि एरिया बड़ा होने से प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जो हमारे स्कीयर्स होते हैं बेटा, स्कीयर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्कीज। वो लंबे फ्लैट स्कीज क्यों यूज करते हैं? अब होता क्या है, ये देखिएगा बेटा, ये इनका पैर है, ये छोटा सा पैर है। अगर ये इसको बर्फ में डालेंगे तो क्या होता है, छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होने की वजह से ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, यानी कि पैर बर्फ के अंदर चला जाता है इनका और ये इनको आसानी नहीं होती है चलने में, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह ये एक चौड़ी सी स्की, ये काफी लंबी चौड़ी स्की, वो भी दोनों पैर में, ये क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को काफी बड़ा कर देते हैं, यानी कि एरिया के रीजन को काफी बड़ा कर देते हैं। अब इस पर इस पूरे आदमी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा तो ये एरिया बड़ा होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर लेस हो जाएगा और जब प्रेशर लेस होगा तो ये पर्सन आइस में कंफर्टेबली स्की कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही केवल अपने स्कीज के हेल्प के बिना अगर ये खड़ा होता तो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती, जिससे ये बर्फ के अंदर यानी कि आइस के अंदर रही ज्यादातर रहता, यानी कि इसको बार बार पैर निकाल के आगे बढ़ना पड़ता। लेकिन स्कीज की हेल्प से, ये एक ब्रॉड स्की की हेल्प से ये क्या करता है, कंफर्टेबली आइस में स्की करता है। तो इस तरीके का बेटा हमारी डेली लाइफ में एक एप्लीकेशन होता है प्रेशर का, जिसको हम रिलेट करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा प्रेशर की वैल्यू उतनी कम होगी और एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है, कह रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक 100 न्यूटन का फोर्स है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर।
एरिया कितना बेटा 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो आइए प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना बेटा 100 न्यूटन, एरिया कितना बेटा 2 मीटर स्क्वायर, 2 × 2 = 250 × 100, दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल लिख सकते हैं, दैट इज 50 पास्कल। तो हमारे पास प्रेशर कितना आ गया बेटा पास्कल, यानी कि 50 पास्कल का प्रेशर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड्स, यानी कि लिक्विड और एयर के थ्रू जो प्रेशर पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा देख लेते हैं, बात की हमने प्रेशर की, प्रेशर के फॉर्मूले की, उसकी यूनिट की और उसके कुछ डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन और अप्लीकेशन की। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आप लोग मन लगा के पढ़िए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके, बस आप मन लगाइए और पढ़ाई करिए। बाय बाय।